गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपां करना है स्कूल बेस्ड करिकुलम डिवेलपमेंट। तो आपां कल कीता सी सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, की हुंदा। तो जिहड़ा डिसेंट्रलाइजेशन है उस नूं अजोके युग दे विच स्कूल आधारित जिहड़ा करिकुलम है वह कहा जांदा है। क्यों? क्योंकि इस दे विच विद्यार्थी दियां जिहड़ियां स्थानक जरूरतां ने, लोड़ां ने, उन्हां नूं ध्यान दे विच रख के यह जिहड़ा पाठक्रम है, यह जिहड़ा करिकुलम है, यह स्थानक पद्धर ते तैयार कीता जांदा है। तां इस तरह कहिंदे वी बहुत सारे जिहड़े कंट्री ने वह इस जिहड़ा यह मतलब कि विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन है इस नूं अपना रहे ने। तां इहदा अर्थ यह कि स्कूल आधारित पाठक्रम विच स्थापित पाठक्रम समगरी विचों चुनी समगरी नूं शामिल किया जाता है ते विभिन्न अनुकूल किए गए होंदे हन। तां इस तरह जिहड़ा डिसेंट्रलाइजेशन है वह एक विशेष हद दे अंदर रह के किया जाता है ते स्थापित फ्रेमवर्क तो पूरी तरह छुटकारा नहीं पाया जाता। भाव की है कि जदों जिहड़ा सेंट्रलाइजेशन है उहदे विच की आ कि जिहड़ा साडा पाठक्रम है वह साडे सेंटर लैवल ते जां साडे स्टेट लैवल ते जिहड़ियां सरकारां ने वह तैयार करदियां ने। तां इस दे आधार ते ही जिहड़ी एजुकेशन पॉलिसी जिहड़ी बनी हुंदी है उस दे आधार ते पाठक्रम तैयार किया जाता है। पर कहिंदे वी जदों इह डिसेंट्रलाइजेशन दा मतलब इह है कि मतलब कि स्थानक पद्धर ते विद्यार्थी दीआं लोड़ां नूं मुख रख के जिहड़ा करिकुलम उह तैयार किया जाता है। पर इस दा मतलब इह नहीं कि जिहड़ी NCERT वल्लों हदायतां पाठक्रम संबंधी बनाईआं जांदीआं ने उहनां नूं इगनोर है जिहड़ा, वह इस दे विच नहीं किया जा सकता। कुछ हद तक वह जिहड़ा करिकुलम है वह भी शामिल किया जाता है। तो स्कूल आधारित पाठक्रम विकास अधीन पाठक्रम का विकास उत्तम अधिकारी राष्ट्रीय पद्धर से ही करता है तो इस स्थानक जरूरतों के उपराले राही इसकी कांटशीट और गंढ धुप करके होर विकसित किया जाता है। कि ठीक है कि जिहड़ा डिसेंट्रलाइजेशन है उहदा भाव है विकेंद्रीकरण, कि स्थानक पद्धर से असी करिकुलम का निर्माण कर सकते हाँ, पर की है असल दे विच वो केंद्रीकृत सेंट्रलाइजेशन भाव जिहड़ी एजुकेशन पॉलिसी बनती है जो NCERT दियां जो भी इंस्ट्रक्शनस नेगियां उन्हां नूं मुख रख के ही पाठक्रम तैयार किया जाता है। ये हो सकता है कि समय ते स्थान की जरूरत अनुसार उस दे विच थोड़ा बहुत जिहड़ा फेरबदल है वो किया जा सके। तो इस तरह आपां नैक्सट करना प्रैक्टिस ऑफ करिकुलम डिवेलपमेंट इन इंडिया, कि इंडिया दे विच इस पाठक्रम विकास का की अमल है। भारत विच पाठक्रम विकास की प्रक्रिया केंद्रीकरण अते विकेंद्रीकरण के दो चरम सिमतुआं दे विचकार स्थित है। राष्ट्रीय सरकार समय समय से राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति निर्माण करती रहती है तो उस दे आधार ते ही जिहड़े भिन्न भिन्न जिहड़े दिशा निर्देश ने वह दिंदी रहती है। तो इन्हां दिशा निर्देशों नूं अगों राष्ट्रीय सिक्ख्या खोज सिखलाई कौंसल जिसका भाव नैशनल काउंसल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा विस्तार दिता जाता है। भाव अपन जिहड़ियां भी बुक्स ने वो NCERT दी जिहड़ियां हदायतां ने उन्हां दे अनुसार ही उस दे विच जिहड़ा पाठक्रम वह शामिल किया जाता है। तो इस तरह हो सकता है कि असी अपने उस अपने पद्धर से उस दे थोड़ा बहुत जिहड़ा फेरबदल कर सकीए, पर असी NCERT दी जो भी इंस्ट्रक्शन ने से उन्हां अखों ओहले जिहड़ा वह नहीं कर सकते। तो नैक्सट जिहड़ा है मिक्सड प्रैक्टिस ऑफ करिकुलम डिवेलपमेंट। तो इस दे विच की है कि वर्तमान तौर पर भारत विच पाठक्रम विकास विकास दीआं जिहड़ियां नीतियां ने वह अक्सर केंद्रीय एजेंसी द्वारा ही बनाईआं जांदीआं ते राष्ट्र पद्धर उपर ही इन्हां नूं लागू किया जाता है जां राज पद्धर दे उत्ते। पर पाठक्रम की स्थापना जो राष्ट्रीय स्कूलों में वरती जाएगी तो पूरी जिहड़ी जिम्मेवारी होगी वह साडी सेंटर सरकार की होगी जां वो राज्यां नूं जो अपने स्थानक हालतां दे जरूरतां दे आधार ते पाठक्रम तैयार करन लई सुतंत्रता प्रदान करदा है। जिवें ला लो CBSE या बोर्ड है ना, वो केंद्र मतलब कि सेंटर दे अधीन वो बोर्ड है उस दीआं हदायतां उस ते लागू होणगीआं। जिवें साडा PSE वी बोर्ड है उस दे विच की है कि साडी जिहड़ा राज दी जिहड़ी सरकार है उस दीआं जिहड़ियां हदायतां ने वो उस ते उस दा जिहड़ा पाठक्रम उस ते शामिल होऊगा। तां कहिंदे वी इस तरह जिहड़ा इह पाठक्रम है वह स्टेट पद्धर ते सेंटर पद्धर ते तैयार किया जांदा। तां जेकर केंद्र सरकार केंद्र राष्ट्र दे सारे स्कूलों नूं पाठक्रम प्रदान करन दी जिम्मेवारी लैंदा है तां इस पाठक्रम नूं पाठक्रम दा सर्वोत्तम केंद्रीकरण कहा जांदा है। तां
इस तरह जे कोई राज सरकार इस की जिहड़ी जिम्मेवारी लैंदी है तां वी उसनूं आपां जिहड़ा केंद्रीकृत है मतलब कि सेंट्रलाइजेशन है वह आखांगे। तां कहिंदे पाठक्रम दे उच्च केंद्रीकरण दे कुछ विकेंद्रीकरण दे ढांचे तों बाद पाठ विकास लई होर वख-वख पद्धरां उपर सोच सकदे हां ते असीं उस बिंदू ते पहुंच सकदे जिथे अध्यापक पाठक्रम दे विकास का मुख कार्यकर्ता बन जांदा है। वह पाठक्रम की अजिही योजना बनाउंदा है लागू करदा है जिहड़ी समाज दे ज़्यादा अनुकूल होवे। तां जदों उह कोई अजिही जिहड़ी योजना कोई अध्यापक स्थानक पद्धर ते बनाउंदा है तां असीं उस नूं डिसेंट्रलाइजेशन कहिंदे हां। तां इस तरह करिकुलम निर्माण दे विच सेंट्रलाइजेशन प्लस डिसेंट्रलाइजेशन जिहड़ियां दोनों मतलब के केंद्र बिंदु ने वो इस दे लिए अपनाए जाते हैं। तो नैक्सट आपां करदे आं नीड ऑफ मिक्सड प्रैक्टिस, कहिंदे वी इहदी लोड़ क्यों पैंदी है। देखो अपना जिहड़ा सिलेबस है वह सेंटर सरकार वल्लों लागू होगा जिवें CBSE बोर्ड हो गया, जे मतलब कि स्टेट पद्धर की आप गल करिए PSE भी जिहड़ा बोर्ड है वह भी अपने आधार पर जिहड़ा सिलेबस है करिकुलम है वह तैयार करता है। तो कहिंदे भी आपां नूं इस मिक्सड मतलब कि यह मिश्रित जिहड़ा अमल है भाव के पाठक्रम का सेंट्रलाइजेशन भी होवे ते उहदा डिसेंट्रलाइजेशन भी होवे। कहिंदे इस दी जरूरत क्यों पई, क्यों पई कि साडे समाज दे साडे जिहड़े विद्यार्थी ने उहनां दीआं जिहड़ियां नीड्स ने उहनां दीआं जिहड़ियां डिमांड्स ने वह अलग अलग हो सकदियां ने। तां कुछ हद तक जदों साडा सिलेबस है जिहड़ा वह सेंटर पद्धर ते जां स्टेट पद्धर ते करिकुलम दा निर्माण कीता जांदा है तां उस दे लई कुछ क जिहड़ियां हदायतां ने कुछ क जिहड़े नियम ने वह कुछ एक्सपर्ट जिहड़े अध्यापक ने वह अपने अनुसार भी उस पाठक्रम दे विच करिकुलम दे विच कोई फेरबदल जिहड़ा वह कर सकते ने। वह क्यों करते ने, क्योंकि वह समाज दीआं नीड्स ते डिमांड्स तों चंगी तरह जाणू हुंदे ने। तां इस तरह इन्हां सारियां चीज़ां नूं लै के ही पाठक्रम बनाया जांदा है। तां करके साडा जिहड़ा पाठक्रम है वह की है एक मिक्सड प्रैक्टिस, भाव के सेंट्रलाइजेशन भी है उस दे विच ते डिसेंट्रलाइजेशन भी है। तां कहिंदे राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति नैशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 ते उस दे विच इस दे विच सोध हो के 1992 विच इस बारे स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि सिक्ख्या की राष्ट्रीय प्रणाली राष्ट्रीय पाठक्रम ढांचे उपर आधारित होगी जिस विच इस मुढ़ले ढांचे के नाल लचकीले तत्तों भी शामिल किया जाएगा। मुढ़ले तत्तों विच भारत की आज़ादी की लहर का इतिहास भारतीय संविधान और राष्ट्रीय पछाण के चिन्हों शामिल किया जाएगा तो इस तत्तों नाल विषय का खेत निर्धारण किया जाएगा। तो मुल जिमें भारतीय सांझा सभ्याचारक विरसा लोकतंत्र धर्म निरपक्षता लिंग की बराबरी वातावरण की सुरक्षा समाजिक बुराइयां हटाना छोटे परिवार बारे जागरूकता विज्ञानक सूझबूझ ज्ञान देना विकसित करने के वधावा देने रूपरेखा तैयार करनी। तो सारे जिहड़े विद्यक प्रोग्राम धर्म निरपक्ष कीमतों की आग्ञा पालन करने जारी रहने। इस दे कारण केंद्रीकरण की जरूरत है परंतु विकेंद्रीकरण के पद्धर उपर पाठक्रम के विकास की प्रक्रिया अंकड़े इकट्ठे करने चोण करनी संतुलन बनाना छानबीन करनी सूचना के संबंधित समग्री संबंध बनाने के कार्य हेठले पद्धर उपर किए जाते हैं। तो इस तरह की है इस दे विच जिहड़ियां समाज दीआं जिहड़ियां समस्यावां ने उस सिलेबस दे विच उस करिकुलम दे विच उहनां नूं भी शामिल किया जाए। तो इस तरह साडा जिहड़ा करिकुलम है वह कि एक मिश्रित अमल है जिस दे विच डिसेंट्रलाइजेशन प्लस सेंट्रलाइजेशन जिहड़ियां दोनों जिहड़े बिंदू ने वह सेम ही चलते ने। तो नैक्सट आपां करदे आं स्पोर्ट्स टू डिसेंट्रलाइजेशन करिकुलम डिवेलपमेंट। तो कहिंदे भी इस दा जिहड़ा समर्थन है डिसेंट्रलाइजेशन दा क्यों होया, तो कहिंदे 1947 स्वतंत्रता तो मगरों जिहड़ा ज़्यादा जिहड़ा सपोर्ट मिली है वह डिसेंट्रलाइजेशन नूं मिली है। तो कहिंदे लोकतंत्र राष्ट्र होने के नाते भारत में तकरीबन हरेक खेत्र में एक लोकतंत्री विकेंद्रीकरण मिलता है। किवें मिलता है, तो आप करते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की है। तो यह प्रक्रिया राज दे कारजां ते संसाधनां नूं केंद्र तों लै के हेठले पद्धर दे चुने हुए प्रतिनिधि दे हत्थां विच देण दी प्रक्रिया है तां कि शासन विच नागरिकां नूं वधेरे जिहड़ा प्रत्यक्ष भागीदारी दी सहूलत मिले।
ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਲੋਕ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿਚਲਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ, ਵਿਚਲਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈਂਡਲਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਤ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਡਿਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਲਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਡਿਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਵ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਤ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।